Suddenly, they saw a man who was working his field. He was laughing and singing while at work. उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी फील्ड में काम कर रहा है, खेत में, और हंसते हुए और गाना गाते हुए. At last attempt, they went to him and shared. वो फटाफट गए उस आदमी के पास में और बोला, सर, आर यू हैप्पी ए मैन? क्या आप एक खुशी व्यक्ति हैं? अवर किंग इज सीरियसली इल. हमारे जो राजा हैं वो बहुत ही बीमार हैं. ही कुड बी क्योर्ड ओनली इफ ही वेयर द शर्ट ऑफ हैप्पी मैन, दे एडेड. उन्होंने कहा कि अगर कोई खुश व्यक्ति अपना शर्ट दे देगा तो वो ठीक हो जाएंगे. द मैन लाफ्ड एंड सेड, ऑफ कोर्स आई एम ए हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. मैं पूरे विश्व के अंदर सबसे खुशी व्यक्ति हूँ. आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ. आई हैव नो टाइम टू बी सैड. मुझे दुखी होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता. विल यू प्लीज़ लैंड योर शर्ट फॉर द किंग? सोल्जर्स ने कहा, क्या आप अपना शर्ट देंगे? द सोल्जर्स पोलाइटली सैड. द मैन लाफ्ड लाउडली फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो मैन था वो बहुत टाइम तक हंसने लगा जोर जोर से. द सोल्जर वॉज बैफल्ड. दे कुड रियलाइज द रीज़न ऑफ हिज लाफ. ही स्टॉप आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. वो सोचने लगे, ये व्यक्ति इतना जोर जोर से क्यों हंस रहा है? इट वुड बी हैव बीन ए ग्रेट प्लेजर. उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होती कि अगर मी लेड माई शर्ट फॉर द किंग, मेरा शर्ट अगर किंग पहनते. द मैन शेयर्ड, बट आई एम रियली सॉरी, पर मुझे माफ़ करो, मेरे पास में आई हैव नो शर्ट. मेरे पास कोई शर्ट नहीं है. ही एडेड, द सोल्जर्स वेंट बैक इन टू द किंग एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग. उन्होंने सोल्जर्स अपने किंग के पास गए, उन्होंने वो सारी बातें बताई. नाउ द किंग रियलाइज दैट वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू कीप अ मैन फिट एंड हेल्थी. तब उस किंग को ये रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि काम करते रहना चाहिए. काम करने से बेस्ट मेडिसिन और कुछ नहीं है. अगर हम व्यक्ति काम करता रहता है तो वो हमेशा फिट और हेल्थी रहता है. फ्रॉम दैट डे द किंग बिगेन टू वर्क फॉर वेलफेयर.